अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब जफर है। और जिस तरह की हमारी रिएक्ट हुक्स के रिलेटेड हमारी ये 6 वीडियो है, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़ कॉल बैक हुक्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने स्क्रीन पे शेयर किए हुए हैं। यूज़ कॉल बैक हुक्स रिटर्न अ मेमोराइज कॉल बैक फंक्शन। एक ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है। दूसरे नंबर पर यूज़ कॉल बैक हुक विल नॉट ऑटोमेटिकली रन ऑन एवरी रेंडर, जिस तरह के यूज़ इफेक्ट करती है। इस तरह यूज़ कॉल बैक्स और यूज़ मेमो में डिफरेंस क्या है? तो यूज़ मेमो रिटर्न अ मेमोराइज वैल्यू, जबकि यूज़ कॉल बैक्स रिटर्न अ मेमोराइज फंक्शन। तो आइए चलते हैं वीएस कोड पे। और इधर मैं यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। रिएक्ट नीचे मैं दो स्टेट बना लेता हूं, कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट के नाम से। और इसमें जो मैं वैल्यू है वो 0 रखवा देता हूँ। इसी तरह इसी को कॉपी करता हूँ, मैं नीचे एक और स्टेट बना लेता हूँ और उसका मैं नाम रख लेता हूँ न्यू वैल्यू, न्यू वैल और सेट न्यू वैल, सेट न्यू वैल। और इस तरह स्टेट में मैं इसको अरे पास कर देता हूँ। ये मैंने दो स्टेट बना ली। अब ये जो हमारे पास 3 पॉइंट थे इसको मैं खत्म कर देता हूँ। और इधर मैं दो यूज कॉल बैक्स फंक्शन लिख लेता हूँ। एक मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट इंक्रीमेंट के नाम से, इंक्री के नाम से, और इसमें सेट काउंट को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ काउंट, और काउंट प्लस वन, डी प्लस वन कर दिया। एक कॉल बैक फंक्शन ही मैंने ये बना लिया। दूसरा मैं कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट एड न्यू के नाम से। और इसमें मैं सेट न्यू वैल्यू कर लेता हूँ और न्यू वैल्यू को मैं इधर मैप करवा लेता, डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ वैल्यू को भी। इधर मैंने अरे लिया, अरे में भी को मैंने डिस्ट्रक्चर किया। इसी तरह मैंने रिड्यूसर को जो पिछली वीडियो उसमें भी मैंने डिस्ट्रक्चर किया हुआ है, न्यू वैल्यू। अब अगर नीचे हम इसमें डिफाइन कर लेते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम वैल्यूज के नाम से, जेएसएक्स और ये आरएफसी। अगर आप करें तो ये हमारे पास फंक्शन डिफॉल्ट बना दे। तो इसको मैं इधर एएफ डॉट जेएस में कोड करवा लेता हूँ, वैल्यू। ये कंपोनेंट मेरा इंपोर्ट हो गया। अब इसमें मैं प्रॉप्स के जरिए वैल्यू पास कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने करना है, न्यू वेल और न्यू वेल। इसी तरह जो दूसरा मैंने प्रॉप्स पास करना है एड न्यू के नाम से, एड न्यू अब अगर इसके नीचे मैं एक डिव लेता हूं और डीवीएम में एक काउंट ले लेता हूँ, काउंट और काउंट की जो वैल्यू है वो शो करवा दे काउंट। और मैं एक बटन ले लेता हूँ और बटन में मैं ऑन क्लिक लगा लेता हूँ, ऑन क्लिक। और इधर मैं कर देता हूँ इनक्लिक। जब मैंने इंक्रीमेंट किया
इंक्रीमेंट के बाद मैं इसको प्लस करता हूँ, मैंने वैल्यू ऐड की। अब ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, अब इस कंपोनेंट में हम चलते हैं और कंपोनेंट में देखते हैं कि हम वैल्यू को कैसे शो करवाते हैं। तो इधर div मैंने लिया और इधर मैं माय वैल्यू कर लेता हूँ, एच 4 ले लेता हूँ, माय वैल्यू। मैं इधर मैप करवा लेता हूँ, हमारे पास जो दो चीजें हमने प्रॉप्स में पास की थी मैं उसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। और दो चीजें हमने पास की थी, एक हमारे पास थी न्यू वेल और दूसरा हमारे पास था एड न्यू। ये मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब मैं न्यू वेल को इधर मैप करवा लेता हूँ, न्यू वेल डॉट मैप, और मैप में हम दो प्रॉप्स पास करते हैं, एक हमारे पास होता है आइटम और दूसरा होता है इंडेक्स। इंडेक्स में हमारे पास 1 2 इस तरह की वैल्यू होती है, जबकि आइटम में हमारे पास जो अरे में वैल्यू होती है वो होती है। इधर हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न हमने पी का टैग ले लिया, और अब इस पी के टैग में हम की वैल्यू दे देते हैं इंडेक्स। और इधर मैं शो करवा देता हूं हमारे पास आइटम, आइटम में जो भी वैल्यू होगी वो इधर शो हो जाएगी। और नीचे मैं ऐड न्यू बटन एक बटन लगा लेता हूँ, बटन, और बटन में मैं वैल्यू सेट करवा लेता हूँ ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में मैंने जो ऊपर डी स्ट्रक्चर में वैल्यू ली हुई है ऐड न्यू, और इधर मैं कर देता हूँ ऐड न्यू। क्या ये वीएस कोड के उधर ब्राउजर पे चलती है कि ब्राउजर पे हमारे पास वैल्यू क्या शो हो रही है? जिस तरह के मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास न्यू वैल्यू शो हो रही है, जबकि मैं काउंट प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 1 2 3। जबकि यूज इफेक्ट अगर हम इस्तेमाल करें तो हम प्लस के साइन पे, अगर हम नीचे डिपेंडेंसी अरे दे दे तो 1 टाइम चलेगा, अगर हम डिपेंडेंसी अरे नहीं देते तो जैसे ही ब्राउजर हमारा रन होता है तो वो ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाती है। इस तरह के 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू ट्रिगर होती है। तो ये थी हमारी यूज कॉल बैक हुक्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।